बिहार सरकार में आखिरकार कोरोना की एंट्री हो ही गई। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। खास बात यह है कि दो दिन पहले कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद भी मंत्री जी की तरफ से इसकी सूचना सार्वजनिक नहीं की गई। दरअसल मंत्री मदन सहनी के कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट दो दिन पहले ही आ चुकी थी, लेकिन मंत्री जी ने इसकी सूचना सार्वजनिक करने के बजाय अपने संपर्क में आए लोगों को सावधान करने के बजाय इस पर चुप्पी साध ली। विभाग से मिल रही जानकारी के मुताबिक रिपोर्ट आने के पहले तक मंत्री सचिवालय स्थित अपने विभाग में आते रहे थे और इस दौरान उन्होंने विभाग के अधिकारियों और कई लोगों से मुलाकात भी की थी, लेकिन इसके बावजूद अपने पॉजिटिव होने की सूचना उन्होंने किसी को नहीं दी। अब समाज कल्याण विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ ही उनके परिवार और उनके संपर्क में आए लोगों के बीच भी संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। राजधानी पटना स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने सूबे में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों के मुकाबले बिहार में हालात ठीक हैं। सरकार और स्वास्थ्य विभाग लगातार कोरोना के रोकथाम को लेकर काम कर रही है। उन्होंने जनता से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील भी की। यही नहीं, संजय जायसवाल ने बंगाल चुनाव में बीजेपी के जीत का दावा करते हुए ममता बनर्जी पर भी हमला बोला। उन्होंने दीदी को धर्म के नाम पर वोट मांगने वाला नेता बताया है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और अभी भी भारत के सभी मानकों से हम अच्छे हैं और विरोधी दलों की जहां सरकारें हैं, महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़ की बात उनको जरूर करना चाहिए। वह चाहते हैं कि हम भी महाराष्ट्र बन जाएं, तो हमें उस पर कुछ नहीं। संविधान को मानिएगा नहीं, संविधान कहता है कि कोई भी व्यक्ति धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकता है। और ममता बनर्जी खुलेआम एक धर्म के नाम पर वोट मांग रही थी और जब न्याय संगत कार्रवाई कर